मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों को निर्धारित समय से पूरा करते हुए उसकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एम्स के निर्माण कार्यों को मैन पावर बढ़ाकर अक्टूबर माह तक 100% पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सितंबर माह तक जंगल कौड़िया में निर्माणाधीन महाविद्यालय के कार्य को पूरा कराने के निर्देश दिए ताकि समय से उसका लोकार्पण कराया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों के निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान गोरखपुर निचलौल मार्ग के कार्य को अगस्त माह तक तथा मोहद्दीपुर जंगल कौड़िया मार्ग के कार्य में तेजी लाकर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला जेल बाईपास के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश देते हुए कहा कि गोरखपुर वाराणसी मार्ग को दिसंबर तक तथा नौसर से पैडलेगंज तक के सड़क निर्माण कार्य को तेजी लाकर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए। रामगढ़ताल में फैली जलकुंभी को शीघ्र हटाने तथा नया सवेरा में साफ सफाई बेहतर ढंग से कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 वैक्सीनेशन की समीक्षा के दौरान कहा कि वैक्सीनेशन निःशुल्क है, इसमें कहीं भी धांधली की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसेफेलाइटिस की समीक्षा के दौरान कहा कि जिस क्षेत्र में इंसेफेलाइटिस के केस आ रहे हैं उसके उपचार के समस्त उपाय किए जाएं तथा CSC व PSC पर ETC को क्रियाशील रखा जाए ताकि उपचार में मरीज को सुविधा मिले। ऑक्सीजन प्लांट के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी नियमित समीक्षा की जाए तथा इसकी निगरानी हेतु नोडल अधिकारी नामित किए जाएं। ऑक्सीजन कंसल्टेशन के रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने गीडा की समीक्षा के दौरान CEO गीडा को निर्देश दिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे अधिक से अधिक लैंड बैंक बनवाएं तथा शासन की पॉलिसी के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। इन्वेस्टर से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समयबद्ध ढंग से निस्तारित करें। यदि उच्च स्तर पर वार्ता की आवश्यकता हो तो उच्च अधिकारी के संज्ञान में लाकर समस्या का निराकरण तत्काल प्रभाव से कराएं ताकि निवेशक को किसी प्रकार की परेशानी ना होने पाए। उन्होंने कहा कि गीडा को विस्तार दिया जाए, लैंड बैंक जितना बड़ा होगा इन्वेस्टर को आमंत्रित करना आसान होगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बेहतर ढंग से संचालित हो और खराब ट्रांसफार्मर निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत शीघ्र बदलने के साथ ही फॉल्ट आदि पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाए। उन्होंने 5 अगस्त को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तैयारियां पूर्ण कर लेने तथा हर जगह पर नोडल अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने मुख्यमंत्री को बताया कि राशन वितरण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तथा निगरानी के लिए सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट भी नामित किए गए हैं। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा पवन अग्रवाल, CMO डॉ. सुधाकर पांडे, नगर आयुक्त अविनाश सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इसकी प्रोग्रेस ठीक है, काम हमारा चल रहा है और इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है, काम हम कर ले जाएंगे। नहीं, अभी केवल आपका जो है